आप सभी का स्वागत है ईआईएस पुस्तकेशन में। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय और इससे संबंधित कॉलेज में पढ़ाई करने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं, आप लोग के कॉलेज में, आप लोग के डिस्ट्रिक्ट में, आप लोग के यूनिवर्सिटी में फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण कब करवाया जाएगा, इसको लेकर क्या तैयारी की जा रही है, काफ़ी टाइम से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। आप लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हैं, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से संबंधित किसी भी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, तो इस वक्त वितरण को लेकर क्या तैयारी हो रही, इसको लेकर सारी बातें विस्तार से करेंगे। तो इसलिए अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो पूरा देखिएगा, सारी बातें विस्तार से करेंगे। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो अपने और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने से पहले आप लोग के पास की यूनिवर्सिटी जो कि दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी यानी कि JDU यूनिवर्सिटी है और इससे संबंधित दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जहाँ पे 17 फरवरी को फ्री टैबलेट का जो वितरण है वो करवाया गया। आप लोग देख ही सकते हैं कि 16 फरवरी को नोटिस जारी हुई थी और यहाँ पे तकरीबन 178 छात्र छात्राओं को फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण करवाया गया। इसके साथ ही अगर इसी तरह से सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से संबंधित तकरीबन 300 प्लस कॉलेजेस हैं जो कि अलग अलग जिले में हैं, चाहे वो बलरामपुर में हो, बस्ती में हो, संत कबीर नगर में हो, सिद्धार्थ नगर में हो। तो आखिर आप लोग के डिस्ट्रिक्ट में, आप लोग के कॉलेज में फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण कब करवाया जाएगा, किस तरह से वितरण को लेकर तैयारी की जा रही है, तो एक बात हम आप लोग को पूरी तरह से स्पष्ट कर दें कि आप लोग के कॉलेज में, आप लोग के यूनिवर्सिटी में वितरण कराने को लेकर सारी जिम्मेदारी आप लोग के कॉलेज के ऊपर ही निर्भर करती है। आप लोग के कॉलेज को जितना जल्दी उनके हिस्से का फ्री टैबलेट स्मार्टफोन मिल जाता है, जितना जल्दी वो जिलाधिकारी से परमिशन ले लेते हैं वितरण को लेकर, वो उतनी जल्दी वितरण को करवा देंगे। मेरे पास जो जानकारी सामने आई है, चाहे वो बस्ती से हो, बलरामपुर से हो, संत कबीर नगर से हो, सिद्धार्थ नगर से हो, कि आप लोग के वितरण कराने को लेकर 25 फरवरी से पहले आप लोग के किसी भी जिले में, किसी भी कॉलेज में कभी भी वितरण करवा दिया जाएगा। इसको लेके जब वितरण होगा, मेरे पास जानकारी आएगी तो भी हम आप लोग को बताएंगे, लेकिन अभी जो जानकारी सामने है कि आप लोग के कॉलेज में वितरण कराने को लेकर यही तैयारी की जा रही है कि 25 फरवरी से पहले किसी ना किसी कॉलेज में वितरण करवा दिया जाएगा। आप लोग को जानकारी सुनने को मिल जाएगी। तो अगर आप में से किसी को भी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन मिले तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, टेलीग्राम पर फोटो भी अपने शेयर कीजिएगा कि आप लोग को टैबलेट स्मार्टफोन मिल गया। अगर इसके साथ और इसके साथ ही हम आप लोग को 25 फरवरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप लोग को 25 फरवरी तक फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण नहीं करवाया जाएगा, आप लोग को अगर फ्री टैबलेट स्मार्टफोन नहीं मिलता है तो फिर आप लोग का जो वितरण होगा वो 1 मार्च के बाद ही आप लोग को मिलेगा, या तो फिर मान के चलिएगा कि 10 मार्च के बाद आप लोग के फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का जो वितरण है वो बिल्कुल तेजी के साथ हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में करवा दिया जाएगा, क्योंकि अब 10 मार्च के बाद लेट नहीं होगा और 25 फरवरी के पहले कहीं ना कहीं जानकारी सुनने को मिल जाएगा कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से संबंधित किसी भी छात्र को फ्री टैबलेट स्मार्टफोन मिला है। तो यहाँ पे आप लोग को पता है कि विधानसभा का जो चुनाव है वो 5वें चरण में 27 फरवरी को करवाया जाएगा, जिसमें तकरीबन 11 जिले में चुनाव होंगे, जिसमें कि बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, बहराइच, सरावस्ती, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अमेठी और सुल्तानपुर आते हैं। इसलिए हम आप लोग को कह रहे हैं कि 25 फरवरी से पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी की तैयारी है कि आप लोग के कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी में वितरण हो जाएगा, सभी में तो नहीं होगा क्योंकि 300 प्लस कॉलेजेस हैं तो सभी में वितरण नहीं होगा, लेकिन कुछ कॉलेज में वितरण करवा दिया जाएगा और उसके बाद 1 मार्च के बाद जो वितरण है वो करवाया जाएगा और 10 मार्च के बाद तो बिल्कुल तेजी के साथ जो वितरण है वो करवा दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक जो आप लोग के लिए संभावित तिथि है वो हमने आप लोग को बता दी, जो मेरे पास जानकारी आई थी उसके हिसाब से हमने आप लोग को सारी बातें बता दी हैं, जिसके साथ ही जहाँ पे वितरण होगा जो भी जानकारी आएगी वो भी हम आप लोग को टाइम टू टाइम बता देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, जल्द से जल्द आप लोग के हाथों में फ्री टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को क्लिक करते हैं और आप लोग के जो सवाल रह गए होंगे अपने सवाल को भी कमेंट करें।